ट्रांसफार्मर मूवी का डायनोबोट्स इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम का साथ देकर डिसेप्टिकॉन के आर्मी को मार गिराते हैं। तो तब क्या होगा जब इसका सामना हेला की मॉन्स्टर हेनरी से हो और रैम्पेज का रॉल्फ से, और तब क्या होगा जब ये जाइंट मॉन्स्टर आपस में फाइट करे। तो इन सब का सवाल जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चालू स्टार्ट करते हैं। शो डाउन करने से पहले हम तीनों मॉन्स्टर के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं डायनोबोट से। डायनोबोट्स को ट्रांसफार्मर 4 में दिखाया गया था, जो अर्थ में आने वाले सबसे पहले ट्रांसफार्मर मूवी के योद्धा है, जो अपने आप को डायनासोर जैसे आकृति में बदल लेते हैं। जब डायनोबोट्स अर्थ में आते हैं तब वह शिप में कुछ समय बाद फंस जाते हैं, जिससे वह निकल नहीं पा रहे थे। तब ऑप्टिमस प्राइम ने उन्हें छुड़ाया और शर्त रखे कि गैल्वाट्रॉन के खिलाफ लड़ने के लिए ऑप्टिमस प्राइम का साथ दे। तब उन्होंने ऑप्टिमस प्राइम का साथ दिया और अपने विशाल आकार, ताकत और तेजी से उन्होंने युद्ध को जीत लिया। फिर लास्ट में ऑप्टिमस प्राइम ने आदेश को खारिज किया, फिर वह अर्थ में स्वतंत्र घूम सकते थे। ट्रांसफार्मर 4 में हमें 4 डायनोबोट दिखाए गए, जो है ग्रिमलॉक जो इस टीम का लीडर है, इसके बाद है स्लज, स्कॉर्न और स्ट्रेप। इस बैटल में हम सिर्फ ग्रिमलॉक को लेंगे क्योंकि वह इस टीम का लीडर है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली डायनोबोट भी, तो सिर्फ उसी के बारे में जानेंगे। ग्रिमलॉक जो टायरेनासोरस रेक्स में बदलता है, इसकी हाइट 84 फीट है। वहीं टी रेक्स में बदलने के बाद इसकी हाइट 63 फीट हो जाती है, जो इस टीम का सबसे खतरनाक डायनोबोट है, जो अपने नुकीले दांतों से डिसेप्टिकॉन को फाड़ देता है। इसका वेट बहुत ज़्यादा है, जो सिर्फ कुचल कर कई डिसेप्टिकॉन्स को मार दिया था। यहाँ तक कि यह डायनोबोट अपने पूंछ का इस्तेमाल कर अपने दुश्मन को मार सकता है। और ग्रिमलॉक की सबसे बड़ी एबिलिटी है जो उसे सबसे खतरनाक डायनोबोट बनाता है, वह अपने मुँह से आग उगलना। ग्रिमलॉक अपने मुँह से ड्रैगन की तरह आग उगल सकता है, जिससे उसने कई डिसेप्टिकॉन को जलाकर मार दिया था। अगर फेनरिस की बात करते हैं तो फेनरिस एक एसगार्डियन उल्फ है जो हेला के लिए काम करती है। फेनरिस को हेला के साथ कैद कर लिया गया था, जिसे हेला ने इंटरनल फ्लेम से जिंदा किया। फेनरिस उल्फ नौ रियल शक्तिशाली मॉन्स्टर में आती है, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, जिसके कारण वह हल्क जैसे पावरफुल बींग से लड़ पाई और वह कुछ समय के लिए हल्क पर भारी पड़ रही थी। यही नहीं, उसने अपने दांतों से हल्क को चोट पहुंचा दिया था, जिसे एबोमिनेशन जैसे विलेन भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। सुपर ड्यूरेबिलिटी है, जिसे गन फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही उसे हल्क के पंच कुछ बिगाड़ रहे थे, जबकि हल्क का पंच इतना पावरफुल है कि उसने एक ही पंच में चित्तौरी लेविथानु तबाह कर दिया था। सुपर स्पीड है, जो फाइट करते वक्त बहुत फास्ट मूव करती है और अपने दुश्मन पर तेजी से हमला कर सकती है। इसके अलावा सुपर स्टेमिना है। फेनरिस एक एसगार्डियन मॉन्स्टर जो कई दिनों तक बिना खाने के लड़ सकती है। अगर बात करते हैं रॉल्फ की, तो रॉल्फ एक नॉर्मल उल्फ था जो एक अन्नो गह सूंघने के बाद बदल गया जाइंट उल्फ में, जिसके बाद उसमें सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी आ गई और वह 50 फीट बड़ा हो गया, जिसके जॉस और क्लॉस बहुत ही खतरनाक हो गए। रॉल्फ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जो जोर से फाइट कर सकता है और उसे डैमेज भी कर सकता है। उसने जॉस और क्लॉस से मिलिट्री हेलीकॉप्टर और टैंक को डिस्ट्रॉय किया है, साथ ही साथ ड्यूरेबल भी है, जो गन फायर और एक्सप्लोजन सर्वाइव किया है। राल्फ जॉर्ज और लीजी से ज़्यादा फास्ट है, वह अपने एक जंप से हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और वह इन दोनों मॉन्स्टर से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। इसके अलावा राल्फ के पास 2 अमेजिंग एबिलिटीज भी है। पहला कि वह स्क्वायरल की तरह कुछ देर के उड़ सकता है। दूसरा कि उसकी बॉडी में न्यूक्लियर पोर्केपाइन है, जिससे वह टेल से अपने दुश्मन पर शूट कर सकता है, जिसकी मदद से उसने हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्रिमलॉक, फेनरिस और राल्फ तीनों ही जाइंट मॉन्स्टर हैं, तो
तो पहला सवाल है कि इस फाइट में सबसे पहले बाहर कौन होगा। अगर हम तीनों के हाइट पर ध्यान देते हैं तो ग्रिमलॉक 63 फीट बड़ा है, फेनरिस 30 फीट बड़ी है और राल्फ 50 फीट बड़ा है। तो मेरे ख्याल से ग्रिमलॉक इस फाइट में सबसे पहले बाहर नहीं होगा, क्योंकि वह एक एलियन है जो इंसान से ज़्यादा स्मार्ट है। उसकी बॉडी एलियन मेटल से बनी है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इन दोनों मॉन्स्टर से ज़्यादा ही होगी और तीनों में सबसे बड़ी वही है। तब फेनरिस और राल्फ में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो फेनरिस ने हेला के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसमें वह कई मॉन्स्टर को मारी होगी। उसने हल के साथ फाइट की है, जो अवेंजर्स का शक्तिशाली मेंबर है, जो अपने पन से बिल्डिंग तक को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। वहीं राल्फ ने जॉर्ज और लीजी से फाइट किया है, जिसमें वह जॉर्ज पर भारी पड़ रहा था, लेकिन लीजी ने उसे बड़ी आसानी से उसके गले को काट कर मार दिया। यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि फेनरिस की, क्योंकि फेनरिस ने हल्के पंच को सर्वाइव किया है। देखा जाए तो फेनरिस का अपोनेंट राल्फ के अपोनेंट से ज़्यादा खतरनाक थे, यानी कि इसमें विनर फेनरिस है। मैंने इन दोनों पर अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप वह देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि ग्रिमलॉक और फेनरिस में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो ग्रिमलॉक डायनोबोर्स का सबसे शक्तिशाली मेंबर है, जो अपने मुंह से आग छोड़ सकता है, जिसने कई डिसेप्टिकॉन को मारा है, और वह फेनरिस से 2 गुना बड़ा है। ग्रिमलॉक 63 फीट बड़ा है और फेनरिस 30 फीट बड़ी है, यानी कि ग्रिमलॉक का स्ट्रेंथ उसके हाइट से हिसाब से ज़्यादा होगा। दूसरा कि अगर फेनरिस कोई सा भी अटैक करता है तो उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका बॉडी एलियन मेटल से बनी है, जो लोहे से ज़्यादा मजबूत है। वही ग्रिमलॉक अपने आग से फेनरिस को जला सकता है, अपने नुकीले पंजे से उसे पूरी तरह घायल कर सकता है और अपने जबड़े से उसे काट भी सकता है, और वह बहुत बड़ी भी है। तो मेरे ओपिनियन से इन दोनों में विनर ग्रिमलॉक होगा। अगर ग्रिमलॉक का सामना राल्फ से भी होता है, तब राल्फ ग्रिमलॉक के सामने टिक नहीं पाएगा, जो अपने पंजे और जबड़े से पूरी तरह घायल कर सकता है और अपने आग से उसे जलाकर मार सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।